for sharing the word of God on this platform today, and I feel so much blessed. And while I was preparing this word, the topic that I will share is Jehovah Jireh, the Lord provides. And as I was preparing this word, it opened up revelations for me, and I believe that while this word is going to be preached today to you, you will receive your blessings. So let us open to Genesis chapter 22, 1 to 19. If someone can read that for me, please. Genesis 22, verses 1 to 19. Genesis 22. Is there anyone who can? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक? हालेलुया। आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 22 बाप और उसकी 1 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक। सिस्टर आपने कहा यस। ओके ओके। उत्पत ओदा 22 अध्याय और ओदी पहली आयत तो सी पढ़ांगे। हालेलुया। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को अजमाया और उससे कहा, आ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इजहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सौतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इजहाक को लिया, और सौतनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदावन ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सौतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इजहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली, और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इजहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, आए बाप। उसने जवाब दिया कि आए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौतनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौतनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इजहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबह करे, तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि आए इब्राहिम, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेक ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा येरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा,
खुदावंद फरमाता है क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानत कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल की वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया। और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए और इब्राहिम बीर सभा में रहा। आमीन। Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Bhatti. Okay, so we see that here God tests Abraham to offer his son Isaac. And we see that Abraham did not rebel. He did not rebel against God at that time. He did not rebel against that situation that God put in front of him. As you and I, most of the time, we see ourselves that sometimes we question God, right? But he did not question God. Because he knew God's character and power. He trusted God even to the extent that he knew that when God, who gave him Isaac, and he took Isaac at that time, even if God took Isaac at that time, but he would raise him up. So Abraham had that trust in him. We need to have that trust. We need to come to God with that faith like Abraham. And we see that when we commit ourselves entirely to his will, it is then that we move the heart of God. We move the heart of God to receive our blessing. We get near our blessing. And God remembers our faithfulness. Here we see also in this passage that Isaac is the symbol of Jesus Christ in the New Testament. We see that Abraham went up to the mountain of Moriah and Jesus Christ went up to the mountain of Calvary, where God gave his son up for us all. We read in Romans 8:32. So we see that God, he changed the impossibility to a blessing for Abraham by giving him a son. And what God gives, he never takes, but he gives in abundance. He knows your needs. He knows he has already made provisions for our needs. All we need to do is to know the character and power of God. We need to trust him like Abraham. You need to trust him like that Shunammite woman when her son died. And she said in that situation, she wasn't in dismay, but she said, all is well. Can you and I, brothers and sisters, say that in our situation that all is well? God is good. Hallelujah. Praise the Lord. And what God did, God raised her son back to life. He restored his life back to us. We see that Abraham names the place the Lord will provide, which means that he is continuously providing even to this day. And the word provide in Hebrew means see to it. So when Abraham calls God Jehovah Jireh, he is not just saying that God gives good, but he is saying that he sees and experiences all the needs of mine and makes provisions for it. You just need to come to him. Come to him with that faith. Come to him with that faith tonight like Abraham. Come to God with the faith of Abraham. Come to God with the faith like that Shunammite woman. Knowing God's character and power is much greater than your prevailing situations. Focus on God, not on your circumstances. Be obedient like Abraham. And put God first. And I assure you that as this scripture, as this word of God has been preached, it is being already fulfilled in your lives. And I would like to pray. Let us all pray.
Father, I pray for everyone who is listening and watching this video, that this word which is preached, may it open provisions in the lives of your people. Make your people know that your character and power is bigger than their circumstances, that you are the Jehovah Jireh of us all. And Father, I pray that as the word is preached, may it bear fruit in a hundredfold in your people's lives. Amen.